हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान, जहां हम सीखते हैं काफ़ी आसान तरीके से इंग्लिश को, वो भी आपकी अपनी मनपसंद भाषा हिंदी में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। इसी को हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस इस नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में नहीं पता, तो हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें हमने काफ़ी इजी तरीके से नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया है। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अगर इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखोगे, तो इस वीडियो को समझने में आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी सब्जेक्ट्स या प्रोनाउन को जो भी हम यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके मीनिंग के साथ, और साथ ही साथ इन सभी का यूज़ हम हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस में करेंगे, ताकि आज के बाद इन सब्जेक्ट्स या प्रोनाउंस को आप कभी भी भूल ना पाओ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आई, यू, वी, दे, ईट, अस, ही, शी। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में ऐसे प्रोनाउंस काफ़ी सारे हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रोनाउंस हमको आज इस वीडियो में सीखने हैं, साथ ही साथ इनके मतलब और इनको हिंदी और इंग्लिश वाक्य में कैसे यूज़ करते हैं, वो भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू वाले घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश लर्निंग क्लास को आप मिस ना कर सको। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के हमारे इस प्रोनाउन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट या प्रोनाउन है आई, और फर्स्ट प्रोनाउन इज़ आई। हमारा पहला प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है आई। आई का मतलब होता है मैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसके बाद है वी, इसका मतलब है हम। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर आएगा यू। यू सिंगुलर यानी कि एक वचन, और प्लूरल यानी कि बहुवचन, इन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब हमारे सामने अगर एक व्यक्ति है, तो भी हम उसके लिए यू का यूज़ करते हैं, और अगर एक के जगह एक से ज़्यादा भी हो, 2, 5, 6, 10, उनके लिए भी हम यू का यूज़ करते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं यू का यूज़ सिंगुलर यानी कि एक वचन के तौर पर। यू आर अ नाइस पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो। यहाँ पर हमने केवल एक व्यक्ति के लिए यू का यूज़ किया है। उसके बाद अब हम यू का यूज़ प्लूरल के लिए करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर माई क्लासमेट्स, यानी कि आप लोग मेरे सहपाठी हो। यहाँ हम हमारे क्लास के सभी लोगों की बात कर रहे हैं। क्लासमेट्स यानी कि आपके साथ पढ़ने वाले आपके सहपाठी। उसके बाद अगला है ही का यूज़ हम सभी मेल्स के लिए यानी कि सभी जेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है ही वॉज अ ग्रेट सोल्जर, इसका मतलब है वह एक महान सैनिक या फौजी थे। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक या फौजी। नेक्स्ट है शी यानी कि वह। ही की तरह शी का मतलब भी वह होता है, पर शी का यूज़ हम फीमेल्स के लिए भी करते हैं, यानी कि विमेंस के लिए, औरतों के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है शी इज़ अ ब्रेव लेडी, वह एक बहादुर स्त्री है। वह एक बहादुर स्त्री है, शी इज़ अ ब्रेव लेडी। फिर आएगा दे, इसका मतलब होता है वह सब लोग या वे। दे का यूज़ हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद है फ्रेंड्स ईट, इसका मतलब होता है यह। फ्रेंड्स, ईट का यूज़ निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, और जो एनिमल्स का जेंडर हमें पता नहीं, यानी कि हमें पता नहीं कि वे नर है या मादा, तब भी उनके लिए हम ईट का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब हम टाइम यानी कि समय बताते हैं और मौसम का हालचाल बताते हैं, तब भी हम ईट इस सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स 9:30 या इट इज़ 9:30, यानी कि 9:30 बज चुके हैं। यहाँ हम समय बता रहे हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट है मी, इसका मतलब है मैं, मेरा, मुझे। एग्जाम्पल से समझते हैं, गिव मी अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल दो, या मुझे पेंसिल दो, गिव मी अ पेंसिल। उसके बाद अगला है अस,
अस का मतलब है हम या हमको। एग्जाम्पल है दे कॉल्ड अस ऑन बर्थडे पार्टी, दे कॉल्ड अस ऑन बर्थडे पार्टी, उन्होंने हमें बर्थडे पार्टी पर बुलाया। दे कॉल्ड अस ऑन बर्थडे पार्टी, उन्होंने हमें बर्थडे पार्टी पर बुलाया। अगला है यू। इसके पहले यू को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया था, यहाँ पर हम यू को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, यानी ये यू जो है वो वाक्य के आखिर में, वाक्य खत्म हो जाने पर आएगा। इसमें भी एक वचन अनेक वचन के लिए हम यू का यूज़ देखेंगे। पहले सिंगुलर यानी एक वचन के लिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू, यहाँ इसका मतलब होगा तुम्हें या आपको। यहाँ पर यू का यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट नहीं बट एज एन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर यू सेंटेंस के आखिर में आता है ऑब्जेक्ट की तरह, जिसमें बताया जाता है कि किसके लिए बात कही गई है या किसके ऊपर काम हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर हैज़ स्लैप्ड यू, टीचर ने तुम्हें थप्पड़ लगाया, टीचर ने आपको थप्पड़ लगाया, टीचर हैज़ स्लैप्ड यू। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यू का यूज़ एज अ प्लूरल ऑब्जेक्ट, यानी जब एक से ज़्यादा लोग हो, बहुवचन हो, तो उसके लिए देखेंगे। यू, इसका यहाँ मतलब होगा तुम्हारा या आपका। एग्जाम्पल है ही मेड अ फुल आउट ऑफ यू ऑल। देखिए यहाँ पर यू सेंटेंस के लास्ट में यूज़ हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट। ही मेड अ फुल आउट ऑफ यू ऑल, उसने तुम सबको यानी कि आप सबको मूर्ख बनाया। एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ। तो इस तरह यू का यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट हमने प्लूरल यानी बहुवचन के लिए देखा। अब नेक्स्ट है हीम। हीम का मतलब होता है उसे। एग्जाम्पल लेते हैं। आई मेट हीम लास्ट नाइट, आई मेट हीम लास्ट नाइट, मैं कल रात उसे मिला। आई मेट हीम लास्ट नाइट। उसके बाद है हर। इसका मतलब है उसकी या उससे या उसे। आई गिफ्टेड हर अ लवली साड़ी, मैंने उसे उपहार में एक प्यारी सी साड़ी दी, यानी कि मैंने उसे तोहफे में एक प्यारी सी साड़ी दी। नेक्स्ट है देम। जैसे हमने देखा दे एज अ सब्जेक्ट, अब हम देम को एज एन ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट जो कि वाक्य के आखिर में आता है। एग्जाम्पल है द कंपनी वॉज स्टार्टेड बाय देम, कंपनी उनके द्वारा शुरू की गई थी। द कंपनी वॉज स्टार्टेड बाय देम। उसके बाद नेक्स्ट है इट। इट का मतलब यहाँ भी सेम ही है, यह है। अब इट का यूज़ भी हम एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल है कैन आई डू इट, क्या मैं ये कर सकता हूँ, कैन आई डू इट। यहाँ आप देख सकते हैं इट सेंटेंस के लास्ट में एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट प्रोनाउंस देखे। ये इस वीडियो का पहला यानी कि फर्स्ट पार्ट है। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा यानी कि सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे, साथ ही साथ इनका मतलब और इनके बीच के डिफरेंसेस भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखना है, क्योंकि उस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही इस सब्जेक्ट प्रोनाउंस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।